हमीरपुर में प्रशासन की एक बार फिर से बड़ी लापरवाही सामने आई है। शिमला धर्मशाला नेशनल हाईवे पर हमीरपुर के बस अड्डे के ठीक सामने सड़क के बीचों बीच अधिक बरसात होने के कारण सीवरेज ओवरफ्लो बह रहा था और सीवरेज का ढक्कन भी ऊपर की ओर उठ गया था, जिसे सीमेंट के साथ बंद करवाया गया था, जो ठीक करने के बाद फिर से भारी बरसात के चलते ओवरफ्लो बह रहा है। सीवरेज का पानी इतनी तेजी से ओवरफ्लो हो रहा है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो सड़क के बीचों बीच एक फुहारा लगाया गया हो, जो वाहन चालकों और राहगीरों के लिए खतरे का सबब बना हुआ है, जिसे बरसात के दौरान प्रशासन के द्वारा की गई तैयारियों पर एक बार फिर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। दुकानदार का कहना है कि सड़क के बीचों बीच सीवरेज का ढक्कन ऊपर की ओर उठा हुआ था, जो ओवरफ्लो बह रहा है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सड़क के बीचों बीच एक फुहारा लगाया गया हो। उन्होंने कहा कि प्रशासन भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे जहां एक ओर वाहनों और राहगीरों को आने जाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं, वहीं जिला की सुंदरता में भी दाग लग रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को बार बार चेताने के बाद भी प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि लोगों को इस परेशानी से निजात मिल सके। फुहारा लगा हुआ था, पूरा सीवरेज का गंदा पानी बाहर निकल रहा है। जब भी बोलो प्रशासन को, अभी पीछे ठीक करके गए, मीडिया के थ्रू हमने इसको ठीक करवाया, लेकिन यहाँ पे फिर पैसे की वैसी। ये पास किसने की है सीवरेज, हमें समझ नहीं आ रही है। यहाँ नहीं, गलियों में बहुत बुरा हाल है। गलियों में जाके देखो, सीवरेज लोगों के घरों में बढ़ रही है। ये तो मेन बस स्टैंड है, बदबू से परेशान। कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन की तरफ नहीं है। ये आके ऊपर से चैम्बर बना के चले गए, लेकिन इन्होंने भी नहीं देखा कि प्रॉब्लम कहाँ है। इतना पानी बरसात में है, अभी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। मेरी प्रशासन से यही मांग है कि इसको, इसकी जो भी है देख रेख है, वो सही की जाए। ये बस स्टैंड है, मेन बस स्टैंड है, लोग देख रहे हैं, हंस रहे हैं। ये शहर का क्या हाल चाल बना हुआ है, फुहारा लगा हुआ है, बहुत बड़ा फुहारा चला हुआ है। दूसरी तरफ ये हमारा सीवरेज प्रशासन ने फुटबाड़ियाँ खोल रखी हैं, ये खड्ड बना दी हुई है, बड़ी बड़ी खड्डे बनाई हुई हैं। जब प्रशासन से इसके बारे में बात करते हैं तो वो आनाकानी करते हैं। हमारी प्रशासन ये मांग है कि कल को हमारी दुकानों को क्षति पहुंचती है तो प्रशासन जिम्मेवार होगा।